हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इसका हिंदी में त्रिकोणमिति और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो अपन ने ये जो नाइन्थ क्लास में अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो अपने को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो टेंथ क्लास में भी एक सेम एज इट इज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो लेसन नंबर 6 है और इसका जो है अपन पार्ट 1 आज देख रहे हैं, बराबर। तो अपने को पता है, अपने पहले नाइन्थ क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो अपने लिए कोई नई चीज नहीं है। अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 कोण होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। तो एक बार में जो अपना नाइन्थ का जो थोड़ा सा पार्ट है वो एक बार में रिवाइज कर रहा हूं, तो आप उसको थोड़ा देखो, बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री बराबर, ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो हिंदी में क्या होता है, त्रिकोणमिति, बराबर। हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस पूरे वर्ड का अपन यदि फैक्टर कर दें तो इसका मतलब त्रिकोणमिति, बराबर। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब जो होता है कोण, और मिति का मतलब होता है ज्यामिति। तो कुल ओवरऑल इसका मीनिंग क्या निकल जाता है कि तीन कोण वाली आकृति, बराबर। तो अपने को पता होना चाहिए कि तीन कोण वाले आकृति कौन सी होती है। तो फट से दिमाग में आ जाता है तीन कोण वाला हमेशा क्या होता है, त्रिभुज होता है, जिसमें क्या होते हैं, तीन एंगल होते हैं, बराबर। त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपने को पता है कि त्रिभुज बचपन की क्लास में अपने पढ़ा है, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। सीधा सा अपने को पता है कि तीन कोण वाली भुजा यदि है तो वहां पर सीधा एक ही चीज आती है, क्या आता है, त्रिभुज आता, बराबर। तो समझ में आ गया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका वर्ड का डिस्क्राइब क्या है, तीन कोण ज्यामिति, तीन कोण वाली भुजा, मतलब जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, और हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, बराबर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें जो है 6 कोण का डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा, बराबर। तो इन 6 कोण जो होते हैं ये सब कोण क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज पे आधारित होते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, बराबर। तो ये अपने लिए कोई नई चीज नहीं है, ये अपने को पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, बराबर। समकोण त्रिभुज की सीधी सी डेफिनेशन है, जिसका 90 डिग्री कोण हो वो हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, बराबर। जिसका 90 डिग्री कोण, पर्टिकुलर एक कोण 90 डिग्री ही होगा तो ही वो कोण क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। तो हमेशा 90 डिग्री कोण जिसमें होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, उसकी जो भुजा है उसका क्या नाम होता है, कैसे होता है, बराबर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो भुजा है उनके क्या क्या नाम है, बराबर। समकोण त्रिभुज के यदि डिवाइडेड कर दे समकोण को, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम है। ये जो भुजा है, ये जो भुजा है और ये भुजा है, तो अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये आगे जाके क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, बराबर। तो अपने को पता है कि इन तीनों भुजाओं के नाम क्या है, इसको बेस कहते हैं, बराबर। बेस यानी आधार, किसी भी चीज का जो एक बेस होता है उसको बेस बोलते हैं। जैसे जो कोई बिल्डिंग है तो वो खड़ी है तो किसी न किसी बेस पे खड़ी होगी, बराबर। तो ये भी इस त्रिभुज का क्या है, बेस है, आधार है, तो इसको क्या बोलते हैं,
बेस बराबर। जो एक बात ध्यान रखनी, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण त्रिभुज का कोण है बराबर, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर बराबर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बराबर। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ये कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है बराबर, जिसे लंब से नोटेट किया जाता है बराबर। और जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है, जस्ट समकोण त्रिभुज के अपोजिट वाली भुजा क्या होती है, जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं हाइपोटेनियस बराबर। तो ये क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस और एक भुजा परपेंडिकुलर और एक भुजा आधार बराबर। तो ये समकोण त्रिभुज को डिस्क्राइब करने का तरीका है बराबर। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है पता चल गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, और हिंदी में समकोण बोलते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर कोण क्या होगा, 90 डिग्री कहलाता है बराबर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें अब जो अपने चैप्टर में जो कोर्स में है उसमें त्रिकोणमिति में क्या है कि सीधे जो अपने जो कोण के मान दे रखे होते हैं ना, कोण कित कौन से होते हैं, एक तो एक 90 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये पांच कोण अपने ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाएंगे। तो अपने को पता है कि जो अपन ने पिछली बार 9th क्लास में कोण पढ़े थे, इसमें एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा बराबर। ये जो छह कोण के नेम ये अपन ने पहले पढ़ रखे थे, ये अपने लिए कोई नई चीज नहीं है बराबर। तो इन कोण के आधार पर इनके मान अपने को निकालने हैं बराबर। तो इन सब मानो, इन सब कोण की जो डिजिट है, इन कोण के जो डिजिट है, इन सब की अलग अलग वैल्यूज है बराबर। तो उसके लिए एक जो टेबल है वो टेबल अपने को बनाने आनी चाहिए। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन जो है इन सब कोण के अलग अलग मान को अपन निकाल के क्वेश्चन हल कर सकते हैं बराबर। तो अपने को पता होना चाहिए कि उस वो टेबल क्या है, कैसे बनती है, उस टेबल को बनाने का लॉजिक है, यदि याद भी कर सकते हैं उसको, और बनाने का भी पूरा मेथड है बराबर। तो जो टेबल है वो कैसे बनती है वो मैं आपको अभी बना के बता रहा हूं, तो उसको आप ध्यान से देखें, और बनाने के बाद उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, नोटबुक में नोट करना है वो कैसे बनती है, मैं कैसे बना होता बराबर। तो आप उसको एक बार देखो कैसे बनती है बराबर। तो ये कोण 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बराबर। थोड़ा सा इसको 2 मिनट आप वेट करो। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बराबर। ये छह कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अब इधर लेफ्ट साइड में लिखना है जो अपन को मान अपने कोण के नाम है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा बराबर। अब अपन को साइन के सभी एंगल के मान चाहिए, कोस के सभी एंगल के मान चाहिए, टेन के सभी एंगल के मान चाहिए, कोसेक के सभी एंगल के मान चाहिए, सेक के सभी चाहिए और कोट के सभी चाहिए। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी टेबल है। एक बार यदि बनाने का मेथड समझ में आ जाएगा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी चीज है बराबर, ठीक है। तो देखो इसका निकालने का क्या मेथड है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो ये टेबल है, इस टेबल को
और अब इस टेबल को पूरा जो है अपन इसमें नोटेट करके एक बार देख लेते हैं। कैसे बनेगी, बराबर बनाने का क्या मेथड रहेगा इसका, देखो जो ये सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी ये एंगल्स के वैल्यू दे रखी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, इनके ऊपर यहां से अपने को वो लिखनी है, काउंट लिखनी है 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 इन चारों डिजिट में 4 का डिवाइड करना है। कैसे करना है, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 एंड अपॉन 4, बराबर। अब अपने को देखना है कि जो वैल्यू इसमें से कट रही है उसको काट देना है, नहीं कट रहा उसको नहीं काटना है। तो जैसे 2 अपॉन 4 कट के कितना बचता है बाद में, 1 अपॉन 2, एंड 4 अपॉन 4 कट के कितना बचेगा, ओनली 1, बराबर। तो अब अपने पास कितनी डिजिट होगी, 0, 1, 0.4, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4 एंड 1, बराबर। तो अब इन सारी डिजिटों को रूट में लेना है, बराबर, रूट में लेना है, इसको भी रूट में लेना है, इसको 1/2 रूट में लेना है, इसका 3/4 रूट में लेना है, और इसका 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, तो उसको नहीं लो तो भी चलेगा, लो तो भी चलेगा, बराबर। अब 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1 सबके ऊपर रूट लग गया है। तो अब इसकी जो वैल्यूएशन रूट के बाद जो निकल दी वो अपने को साइन 0 में लिखनी है, बराबर। और 1/4 का जो वैल्यूएशन निकलना वो 30 डिग्री में लिखना है, 1/2 का जो वैल्यूएशन निकलता है वो इस 1/45 में लिखना है, और 3/4 का निकलता है तो 60 में लिखना है, एंड जो 1 का निकलता है वो 90 में लिखना है, बराबर। तो 0/4, 0 में यदि 4 को डिवाइड, अपने को पता है कि 0/4 यहाँ पे है, यदि इफ किसी भी डिजिट को 0 में डिवाइड करते तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है, बराबर। ये अपने को पता होना चाहिए कि 0/4 हमेशा क्या होता है, 0, बराबर। नेक्स्ट 1/4, तो 1/4 यदि 1/4 को खोला जाए तो ये अंडर रूट 1/4 है, यदि इसको पूरे को सोल्व किया जाए तो अपने को पता है कि 4 जो है वो 2 का क्या है, स्क्वायर है, तो 1/4, 4 का रूट क्या होगा, 2, तो इसके इसका आंसर क्या आएगा, 1/2, बराबर। 40 डिग्री का क्या है, 1/2, अंडर रूट 1/2 है, तो अपने को पता है जो 2 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 1 से इस रूट हटेगा, किस पे लगेगा, 1/√2, बराबर। इसकी वैल्यू वैसे 1/√2। 60 का क्या है, √3/4, तो अपने को पता है √3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो √3/4 2 का स्क्वायर है, तो √3/2, और 1 का एक तो सब में वैल्यूबल है ना, इसका √1 का 1 ही होता है और कोई इश्यू नहीं है, बराबर। अब इसमें मेन चीज क्या है कि अपने को सिर्फ ये वाली साइन की जो रो है वो अपने को याद होनी चाहिए या फिर मान निकालने आना चाहिए, बराबर। देखो इसमें 3 ही मान अपने को लर्न करने हैं, एक तो 1/2, 1/√2, 1/3/√3/2, बराबर। साइन 0 का मान 0 है, साइन 90 का मान 1 है, बराबर। यदि इफ ये 1/2, 1/√3 और 3/√3/2 ये अगर वैल्यूज अपन को याद हो जाती है तो पूरी सारणी इसके ऊपर ही डिपेंडेड है, पूरा टेबल इस इन 3 मान के ऊपर डिपेंडेड है, पूरा टेबल बन जाएगा, बराबर। तो या तो इन मान को इस मेथड से निकालो या फिर सीधी सी ये 3 वैल्यू याद कर दो, 1/2, 1/√3, 1/√2 एंड 1/√3/2, बराबर। और साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 0 है। तो अब देखो साइन रो का पूरा मान सब कोण के मान आ गया, 0 डिग्री का मान आ गया, 30 डिग्री का मान आ गया, 45 डिग्री का मान आ गया, 60 डिग्री का मान आ गया, 90 डिग्री का माना गया। अब कोस थीटा जो रो है उसका मान कैसे निकलेगा, तो क्या करना है, सारी डिजिट को उल्टा लिखना है, बराबर। 90 वाली साइन जो 90 डिग्री का मान है वो यहां पर लिखना है, जो 60 डिग्री का मान है वो
यहां पर लिखना है 45 का 45 की जगह ही रहेगा, 30 डिग्री का मान यहां लिखना है और 0 डिग्री का मान 90 डिग्री में लिखना है। बराबर देखो, याद करने का कोई जरूरी नहीं है। 90 डिग्री के जो कॉस की रो है उसमें पूरी साइन की रो उल्टी हो जाएगी। बराबर, तो 90 डिग्री का 1 हो जाए, 90 डिग्री का 1 लिखना है, 60 डिग्री का अंडर रूट 3/2, 45 का 45 भी रहेगा और 60 डिग्री में 30 डिग्री का आएगा, 90 डिग्री में 0 डिग्री का आएगा। बराबर, ये हो गई कॉस की रो कंप्लीट। बराबर, नेक्स्ट 10। तो 10 का वैल्यू कैसे निकलेगा? अपन ने पढ़ा है कि 10 का जो फॉर्मूला है, 10 का फॉर्मूला होता है एल अपॉन लंब बटा आधा। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है और एक फॉर्मूला 10 का जो है वो अपन ने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले के बेस्ड पे ये इसकी वैल्यू वैसे निकलेगी। बराबर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये साइन थीटा ये अपॉन कोस थीटा, तो सीधा सा अपने को वैल्यू वैसे इसकी क्या करनी है, निकालनी है। तो साइन अपॉन कोस 0.1 कितना होता है, 0 है ना। 0 में किसी भी डिजिट का भाग दो तो हमेशा 0 ही आता है, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। 0.1 हमेशा 0 ही होता है। बराबर, देखो 1/√2/√3/2। बराबर, तो 2 से 2 डिजिट कट जाएगी, कितना बचेगा 2 से 2 डिजिट कटी तो कितना बचा 1/√3। बराबर, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट, 45 का मान किया 1 एंड यहां पर 2 से 2 कट हो जाएगा तो √3/1 बचेगा, जिसको √3 लिख सकते हैं। अब 1/0 कितना होता है, 1/0 हमेशा होता है इन्फिनिटी। 1 में यदि इफ 0 का यदि डिवाइडेशन दिया जाए तो उसका वैल्यू से कितना आता है, हमेशा इन्फिनिटी आती है। बराबर, अब अपने पास 3 रो के मान आ गए, साइन थीटा का मान आ गया, कॉस थीटा का मान आ गया एंड टेन थीटा का मान आ गया। बराबर, अब जो है अपने को पता है कि साइन का उल्टा हमेशा कोस होता है, कोस का उल्टा हमेशा सेक होता है और कोट और टेन का उल्टा हमेशा कोट होता है। तो उल्टा होने का मतलब क्या है, ये डिजिट भी पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी। बराबर, तो साइन के अब साइन की रो की जगह पूरी कोस की रो को उल्टा करके डिफिनेशन करना है। तो 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। बराबर, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लिखो तो भी चलेगा। बराबर, 1/√2 तो √2, 3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। बराबर, नेक्स्ट sec जो cos का उल्टा रहे चलता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 इज 1/√2 इज √2, 1/2 इज 2/1, लिखो तो भी नहीं लिखो तो भी चलेगा। बराबर, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, लास्ट एंड फाइनल जो है टेन थीटा का उल्टा हमेशा होता है कोट थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यूएशन जो है 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी एंड 1/3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का अपोजिट 1/√3 एंड इन्फिनिटी का उल्टा 0। बराबर, अरे इन्फिनिटी का उल्टा 0 नहीं 1। बराबर, तो ये जो टेबल है वो अपने को जो साइन थीटा का जो पहला चैप्टर यदि अपन पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसमें ये टेबल यदि अपने को आती है तो अपन सभी एंगल्स के मान अपने पास है तो अपन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बराबर, तो इसके जो आगे का चैप्टर है जो अपन, ये था आज का पार्ट 1। बराबर, तो इसके आगे का जो पार्ट 2 है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बराबर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा टेंस। जैसा कि आप
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं टेंस, टेंस थ्री पार्ट्स में होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस अपने आप में ही शो करता है कि वो कौन सा सेंटेंस हमें बताना है। प्रेजेंट दैट मीन्स वर्तमान, जो हमें प्रेजेंट के सेंटेंस बताते हैं। पास्ट दैट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर दैट मीन्स भविष्यकाल। इसके फोर पार्ट्स होते हैं, सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और डेफिनेट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये फोर पार्ट्स यानी टोटल अगर हम थ्री में फोर को मल्टीप्लाई करें तो हम टोटल 12 टेंसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला टेंस होगा आज का प्रेजेंट सिंपल टेंस। यस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें हम फोर टाइप्स के सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव और फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी कि सिंपल, जिसमें हमें कुछ भी नहीं या क्वेश्चन नहीं लगाना है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और वो कहलाते हैं हमारे सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव, नेगेटिव जिस जो नहीं वाले, नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव थर्ड सेंटेंसेस, जिसमें हम क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं उनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस के साथ नहीं यूज किया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टेंस में क्या होता है। सिंपल टेंस में हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। अब ये जो वर्ड एस और ई एस आया है ये कहां पर यूज होगा? ये जो वर्ड एस और ई एस है ये हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, शी, इट और नेम। और वहीं पर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं आई, यू, वी, दे और नेम्स। यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस यूज करेंगे। मैंने यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझा रखा है, आई जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम यूज कर रहे हैं वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम यूज कर रहे हैं वर्ब, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहीं पर हमारे अदर साइड में ही जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का यूज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ई एस का यूज किया है। तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम एस और ईएस यूज करेंगे, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे हम उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हमारे सेकंड टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट, नहीं, नेवर जैसे सब वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसको हम जिसका स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे हमने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज करेंगे, जबकि यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है डज। तो डज के साथ, क्योंकि हम डज वर्ड यूज कर रहे हैं इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं यूज कर रहे हैं। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है, आई डू नॉट वर्क, ही डज नॉट वर्क। अब जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जो पहले मैं बता चुकी हूं कि प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, नेम्स, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ हम डू वर्ड यूज करेंगे, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे ही, शी, इट और सिंगल नेम, तो उनके साथ हम एस ई एस यूज करेंगे, दैट मीन्स डज वर्ड यूज होगा। ही डज नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, राम डज नॉट वर्क। क्लियर हो गया? अब हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं, या तो वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं।
यहाँ पर क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू और डज है, हम डू और डज से स्टार्ट करते हैं, तो डू और डज देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस, बाकी का सारा ही सेंटेंस आएगा। तो डज ही वर्क, और एक जो प्रॉपर थिंग इसमें हम यूज करेंगे वो है क्वेश्चन मार्क, डू यू वर्क, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, डज ही वर्क। नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो क्वेश्चंस भी है और साथ में हमें ये भी बता रहा है कि वो नकारात्मक भी है, क्वेश्चन के साथ नहीं वर्ड भी यूज हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। डू यू नॉट वर्क, क्या तुमने काम नहीं किया है। द नेक्स्ट सेंटेंस, डज ही नॉट वर्क, क्या उसने काम नहीं किया है। तो ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के फोर स्ट्रक्चर्स। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगी। पॉजिटिव, पॉजिटिव जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट यूज किया। नेगेटिव, नेगेटिव जिसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज किया। इंट्रोगेटिव, डज डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यस, अब हमारा सेकेंड टेंस होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब नाम से ही ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि वर्तमान में लगातार होने वाला काम जो अभी खत्म नहीं हुआ है और जो हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस दैट मींस वो उसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जो वर्तमान काम चल रहा है, उस तरह के सेंटेंसेस वहां पर यूज किए जाते हैं। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें कि इसमें हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो वो है हमारे इज, एम, आर। इज किनके साथ यूज होगा, इज यूज होगा ही शी इट और नेम के साथ। एम, एम वर्ड ओनली यूज होता है फॉर आई, जहां पर हमारा सब्जेक्ट आई होगा वहीं पर हम एम वर्ड यूज करेंगे। और आर यूज होगा हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए जो है यू वी दे और नेम्स। तो ये था कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और किस तरह यूज करेंगे। अब यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। कौन वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एंड होता है जिनका कॉन्सोनेंट के साथ में और उनके जस्ट पहले आता है वॉवल। ए वॉवल क्या होते हैं, वॉवल होते हैं ए ई आई ओ एंड यू। तो अगर ऐसा वर्ब जिसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट के साथ हो रही है और उसके जस्ट पहले वॉवल है, तो जब हम उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट वर्ड होगा वो डबल लेटर बन के हमारे सामने आएगा। जैसे ये कट लिखा है, कट, सी यू टी, कट, क्योंकि यू एक वॉवल है और टी कॉन्सोनेंट है, इसलिए जब हम इसकी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो सी यू डबल टी आईएनजी होगी।
इसी तरह स्टॉप, S-T-O-P, ओ क्योंकि वॉवेल है और पी कॉन्सोनेंट है, आईएनजी फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग, S-T-O-P-P-I-N-G स्टॉपिंग बन जाएगा। लेकिन ये कुछ वर्ड्स के साथ, जो वर्ब ऐसी होगी जो H, Q, W, X और Y के साथ एंड होगी, उनमें लास्ट वर्ड जो होगा हमारा कॉन्सोनेंट, चाहे फिर उसके आगे वॉवल क्यों ना आए, वो रिपीट नहीं होगा। जैसे है G-R-O-W, ग्रो, यहाँ पर वॉवल है और ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है इसलिए हम इसको डबल लेटर में नहीं यूज़ करके ग्रोइंग ही लिखेंगे। फिक्स का हम डबल लेटर में यूज़ ना करके फिक्सिंग ही लिख रहे हैं। यस, हम वापस अपने टेंस पर आते हैं। अब हम बात करते हैं वापस से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जैसा मैंने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म लगती है। आईएनजी फॉर्म किस तरह से बनाई जाती है ये भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। नेगेटिव आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस। इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव होगा इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन लास्ट में आएगा इसके क्वेश्चन मार्क। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हमने दो टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट सिंपल जो सिंपल सेंटेंसेस को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट करते हैं जो लगातार काम वर्तमान में चल रहे हों। आज हमने प्रेजेंट टेंस के दो सेंटेंसेस को किया है, आप इसको घर पे अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।